नमस्कार, न्यूज लाइव फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता तिवारी। बचपन का मतलब होता है सादगी। बच्चों का मन बहुत ही निश्चल और पवित्र होता है और विश्व के सभी बच्चे सही शिक्षा पाने के अधिकारी होते हैं, ये कहना है मनसा डी के गोपी प्रभारी का। मनसा डी उच्च विद्यालय के सभागार में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन द्वारा बाल पंचायत शपथ ग्रहण सह खेल सामग्री वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनसा डी ओपी प्रभारी रवि प्रकाश पंडित और मनसा डी मुखिया प्रतिनिधि एनासिस मरांडी उपस्थित हुए, जिनको बच्चों ने बुके देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात इनके हाथों चार बाल मित्र ग्राम कुंडी, घसनी, तेतरिया, नीमा के नव निर्वाचित बाल पंचायत सदस्य को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र सहित खेल सामग्री वितरण किया गया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन का प्रयास सलाम करने योग्य, ये कथन है मनसा डी ओपी प्रभारी रवि प्रकाश पंडित का। उन्होंने कहा कि मैं लगातार कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के कार्यों के बारे में सुना हूँ और अब जाकर मैं देख रहा हूँ कि ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यह काम कर रहे हैं जहाँ पर सड़क की समस्या, विभिन्न प्रकार के अन्य समस्याएँ हैं, फिर भी बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और लगातार हमारा इनसे संपर्क होते ही रहता है इनके कार्यकर्ताओं से। और मैं हमेशा बोल कर रखा हूँ कि हमारी जहाँ भी आवश्यकता पड़े, हमारी जहाँ पर भी मदद की आवश्यकता पड़े, मैं हर संभव तैयार हूँ। हमें जानकारी दें, मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा और मिलकर बच्चों की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आज इनके द्वारा यहाँ शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी पहल है। पहले छोटे छोटे बच्चों को उन्हें उनके अधिकारों को लेकर के जागरूक करना, साथ ही साथ उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल करना बच्चों की विकास की यह बहुत बड़ी पहल है। और मैं कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में पढ़ा हूँ, जिन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसी दुनिया का सपना देखता हूँ जहाँ बाल श्रम ना हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें हर बच्चा स्कूल जाता हो, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर बच्चे को उसका मौलिक अधिकार मिले। मेरे लिए शांति हर बच्चे का एक मौलिक मानवाधिकार है, यह अनिवार्य है और दिव्य है। बच्चों को सपने देखने से वंचित करने से बढ़कर कोई अपराध नहीं है। हर एक मिनट मायने रखता है, हर एक छोटा बच्चा मायने रखता है, हर एक बचपन मायने रखता है। इसलिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। यही समय है कि एक बेहतर कार्य को अंजाम देने का प्रयास करना होगा, क्योंकि सत्यार्थी जी ने भी कहा है कि अगर अभी नहीं तो फिर कब, अगर तुम नहीं तो और कौन। अगर हम इन मौलिक सवालों का उत्तर दे सकें तो शायद हम सब मानव गुलामी का दाग मिटा सकें। मुखिया प्रतिनिधि एनासिस मरांडी ने कहा कि शिक्षा ही सभी समस्याओं को खत्म कर सकता है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के साथ हम हर वक्त खड़े हैं। कार्यक्रम का संचालन संदीप नयन ने और समापन संबोधन कुंडी युवा मंडल अध्यक्ष चंदन खेरवार और सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र पंडित ने किया। कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के कार्यकर्ता भरत पाठक, राजू सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित बाल मित्र ग्रामों से गणेश राणा, नाचो टुड्डू, रोजमेरी हेम्ब्रम, थॉमस सोरेन, पोलुस सोरेन, तिलक राय, शकुंतला देवी, गंगा देवी, सुमित्रा देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भेजा जाता है जैसे कि निसंदेह हम लोग कह सकते हैं कि वे व्यापार या फिर और भी मतलब हिंसात्मक और जो भी है ऐसा कुछ छोटे बच्चों के साथ किया जाता है और हम लोग इसमें रोकने के लिए हम लोग तत्पर, हमेशा तत्पर हैं। और साथ ही साथ इसमें कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा भी काफी पहल की जा रही है। हम लोग कई बार घूमते हैं अपने इलाकों में, देखते हैं कि इन लोगों के द्वारा जो है एक पॉजिटिव थॉट दिया जा रहा है कि हम लोग इन लोग से जुड़े और जो भी आप लोग के बीच कुछ भी ऐसा समस्या हो वो हम लोग से और इन लोग के द्वारा जहां तक संभव हो सके सरकार के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से हम लोग दूर करने का, समस्या दूर करने का एक पहल करने का प्रयास करते हैं। आज जो ये एक समारोह है इसमें ये एक मतलब समुद्र में एक बूंद के बराबर है, जैसे सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास संसाधन सीमित है,
ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा संसाधन के धनी हैं, फिर भी जितना संसाधन है उसमें कुछ भी जरा भी अगर उसमें हम लोग अंधकार में एक चिंगारी भी अगर हम लोग जला सके तो उससे मतलब प्रकाशमय होकर के, और विद्या एक ऐसा चीज है जिसको कि छुपाए मतलब नहीं छुपा सकते हैं, और इसे अगर बांटने से और इसका जो है और बांटने से और बढ़ता है, धन जो है बांटने से घटता है, लेकिन विद्या जितना बांटिए उतना बढ़ता है। और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा बच्चों का संपूर्ण विकास को लेकर के बहुत पहल किया जा रहा है। पहले भी इन लोग से हम मिले थे और इन लोगों के द्वारा बताया गया, इनका दूरदर्शी सोच जो है हमको बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बताया भी इन्हें। पुलिस प्रशासन और जो भी सरकार के द्वारा कुछ भी अगर प्रयास होगा, जो भी आप लोग का हेल्प होगा और जो भी बच्चों का उत्थान के लिए हम लोग के से जो भी बन पड़ेगा, हम लोग आप लोग को हमेशा 24 घंटे तत्पर है। छोटे बच्चों से हम यही विशेष आग्रह करना चाहते हैं कि आप ऐसा है परिवेश इधर का ऐसा है कि सब गरीब घर से है और पढ़ाई तो सबको करना ही है, और यहाँ पर ऐसा है कि छोटे बच्चे लोग जो है बहुत सारे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि माँ बाप जो है साथ में ले जाते हैं, खेत में काम करते हैं या फिर ढिबरा माइका ये सब जो है चुनते हैं, दिन भर चुन के आते हैं, शाम में बेचते हैं, वो ऐसा जीविका इधर चलता है। तो ये सबको जो भी है ये तो अपना आपका मान लीजिए गरीबी है, तो इस गरीबी में साथ में रह करके पढ़ाई भी करना है और संघर्ष से ही आगे आदमी बढ़ा है। हम लोग भी बहुत नीचे से आज यहाँ पहुँचे हैं, तो संघर्ष को कभी मत छोड़िए और इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी।